हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज किस वाली वीडियो में मैं खेलने वाला हूँ रोब्लॉक्स, वो भी पहली बार। और मैं अभी यहाँ पे खेल रहा हूँ गॉड टाइकून। आप लोग अगर ये खेलना है तो आप लोग सर्च वाले ऑप्शन पे जाके वहाँ पे सर्च कर सकते हो गॉड टाइकून और इसको खेल सकते हो। बहुत मस्त गेम है। तो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन है गॉड बनने के लिए। तो मैं यहाँ पे चारों तरफ पहले देखता हूँ कि इसमें कौन कौन सा ऑप्शन है। तो देखने से मेरे को इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस लगे, लेकिन मैं सोचा कि चलो यहाँ पे हम डेथ वाले बनते हैं, जो कि एकदम काला था और कूल लग रहा था देखने में। उसके हाथ में एक स्काइट भी था, तो मैं वहाँ पे घुस गया। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा था इसको सेलेक्ट कैसे करना है। तो उसके बाद मैं पीछे देखा कि एक घर है, तो मैं सोचा उसमें घुस जाता हूँ, शायद ये इससे मेरा सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैं जैसे ही अंदर गया पता चला कि ये किसी और का है और मैं उसमें लेज़र से मर गया। फिर मैं यहाँ पे चारों तरफ घूमने लगा कि बोला इसमें से कौन सेलेक्ट करना है। उसके बाद मैं देखा यहाँ से चार एरोज जा रहे थे, तो मैं समझ गया कि यही चारों में से कोई एक मुझे चूज़ करना पड़ेगा। तो मैं आइस और लाइट वाला चूज़ करता हूँ, लेकिन इसमें भी मेरे को कोई एक ही चूज़ करना था, तो मैं कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ। फिर मैं अपने भाई से पूछता हूँ कि भाऊ किस में मेरे को जाना चाहिए। तो मेरा भाई बताता है कि भैया आप लाइट में जाइए। तो मैं लाइट वाले में घुस जाता हूँ। उसके बाद मैं जैसे ही अंदर जाता हूँ यहाँ पे कैश कलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे मैं काफ़ी सारा कैश कलेक्ट करता हूँ। मुझे एक डबल कैश का ऑप्शन दिखता है, तो ऊपर चढ़ता हूँ तो यहाँ पे दिखता है 150 रोबक्स। मेरे पास एक रोबक्स नहीं है, अभी डाउनलोड किया हूँ और ये लोग लूट रहे हैं मेरे को। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने यहाँ फिर कुछ पैसे जमा किए तो $730 हो गया। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे रेनबो अपग्रेडर रहता है, पर उसको मैं चूज़ नहीं करके मैं यहाँ पे वॉल्स को पहले अपग्रेड करता हूँ। फिर मैं इसी तरह मेहनत कर करके काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता हूँ, और उसके बाद मैं अपना एक स्वॉर्ड खरीद लेता हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो स्वॉर्ड ऑफ लाइट, तो मैं यहाँ पे खरीदता हूँ तो मेरे को मेरा पहला स्वॉर्ड मिल जाता है। यहाँ पे मैं गॉड बनने का पहला स्टेप चढ़ जाता हूँ, क्योंकि ये स्वॉर्ड काफ़ी ज़्यादा देखने में पावरफुल लग रहा था। उसके बाद मैं और ज़्यादा पैसे कलेक्ट करके यहाँ पे लाइट ऑफ मैजिक खरीद लेता हूँ। मतलब ये मैजिक एक होता है जिससे मैं स्पेल वगैरह पढ़ सकता हूँ और लोगों को परेशान कर सकता हूँ मेरे ख्याल से। वैसे इस गेम का कंसेप्ट काफ़ी अच्छा है, इसमें बहुत मज़ा आ रहा था खेलने में मेरे को। और यहाँ पे मेरे पास अभी दो चीज़ हो गया था, एक था स्वॉर्ड और एक था ये मैजिक स्पेल। तो मैं यहाँ पे और पैसे जमे करके पहले मैं इस मनी जनरेटर को पूरा कंप्लीट करने वाला था। तो यहाँ पे थोड़े से पैसे कम पड़ गए थे, तो मैं उसके बाद पैसे लाके और इसको पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। फिर वो होने के बाद मैं यहाँ पे वॉल्स को अपग्रेड करने चले जाता हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे वॉल्स को अपग्रेड करता हूँ, तो मेरा वॉल के अब इसके अंदर मेरे कोई घुस नहीं सकता था साइड से, नहीं तो पहले लोग अंदर घुस जाते थे। फिर उसके बाद मैं और पैसे जमे करके और ओनर का डोर खोल लेता हूँ, जो कि यहाँ पर लेज़र लगा देता है ताकि कोई भी अंदर आए तो वो पहले मर जाए, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में मर गया था उस डेथ वाले से। फिर मैं स्टेयर से एक बना लेता हूँ और फिर लास्ट में मेरा सेकेंड फ्लोर बनने वाला था। तो मेरे पास 1.2K था और वहाँ पर 1.5K लगने वाला था। तो मैं जल्दी जल्दी पैसे जमा करके और वहाँ पे सेकंड फ्लोर भी अपना खोल लेता हूँ, और यहाँ से मेरे ऊपर एक छत भी आ जाता है। फिर उसके बाद मैं ऊपर जाके देखता हूँ तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महंगे महंगे सामान थे, तो मैं चुपचाप नीचे जाके पैसे जमा करने में अपना टाइम वेस्ट करने लगता हूँ। तो गाइज़ मेरे ख्याल से हम लोग को सेकंड फ्लोर नेक्स्ट वीडियो में बनाना चाहिए। अगर आप लोग को चाहिए तो नेक्स्ट पार्ट जरूर आएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और लाइक सब्सक्राइब कर लेना।